देखो बेटा रुपेश, तुमको पता है बेटा कि तेगलबा बाबा हमारे चेला है। आप लोग तेगलबा बाबा को देखें, जो जो देखे बार हाथ उठाइए। तो लेकिन रुपेश जी, मैं एक बात आपके लिए कहना चाहूंगा। कहिए। मेरे लिए कि इनके लिए? नहीं, उनके लिए, उनके तरफ से आपके लिए कहना, चूंकि आप लड़की के पीछे ज्यादा भागते हैं। इधर आओ बेटा, फाउंडेशन पे आ जाओ। मजा ले कोई कर दे। मैं यही देखिए देखिए, बाबा का ध्यान किधर है। लेकिन संजोग है, हिंदुस्तान में जितने भी बाबा पकड़े गए एक भी बिहार से नहीं है। ऐसे भी बहुत हम कम ताकते हैं, चूंकि मेरा अब उम्र हो गया। साल गए हैं क्या जी? जी नहीं, मेरा उम्र हो गया वृद्धा पेंशन वाला, अब बहुत कम देखते हैं। लेकिन आइए, आप हसीनों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। रुपेश जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि वो राजिक है राजा, देता है हर कीड़ों को पत्थर में। रुपेश कि वो राजिक है राजा, देता है हर कीड़ों को पत्थर में। ए नादान, तुम क्यों रहता है रोजी के चक्कर में। वो राजिक है राजा, देता है हर कीड़ों को पत्थर में। ए नादान, तुम क्यों रहता है रोजी के चक्कर में, और चाहे उड़ाने भर ले आकाश में या गोता लगा ले समंदर में। चाहे उड़ाने भर ले आकाश में या गोता लगा ले समंदर में, बेटा तुमको वही मिलेगा जो लिखा है तेरे मुकद्दर में। लेकिन लेकिन बाबा 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 बाबा, सच कहता हूँ, बहाना नहीं बनाते। इनका पहले नाम बताइए, क्या नाम है? बता दीजिए आप। बाबा टेपरनाथ। देखिए कोई बात नहीं, आप मत डरिए पगली, हम बाबा रामदेव के चेले हैं, आसाराम के थोड़े हैं। लेकिन आप बोले हैं कि आप लड़की के चक्कर में रहते, तो पूरी बात पहले सुन लीजिए। इतने पब्लिक के सामने कह रहा हूँ कि सच कहता हूँ, बहाना नहीं बनाते। ऐसा हो सकता है ना, कि सच कहता हूँ बहाना नहीं बनाते, और हमारा पेट भरता हमारे दल घर के दाल रोटियों से, हम चलती फिरती ढाबों पे खाना नहीं खाते। वाह बेटा, तुम्हारा संस्कार देख के लगता है कि तुम ढाबे पे खाने वाला है। इसका हुलिया देखिए आप। लेकिन इस बार मैं नहीं बोलूंगा। आपका मैडम इधर आइए, आपका नाम क्या है? अंकिता सिंह राजपूत। लेकिन एक बात मैं आपके लिए भी बोल देना चाहूंगा कि तुम अपने गोरे सा हाथों में लाल कंगन न पहनना, क्योंकि कोई गुलाब समझ के तोड़ लेगा। कैमरामैन फोकस कीजिए, कल भाभी को वीडियो दिखाना है। हेलो, कि तुम अपने गोरे से हाथों में लाल कंगन न पहनना, क्योंकि कोई गुलाब समझ के तोड़ लेगा। कि तुम अपने गोरे से हाथों में लाल कंगन न पहनना, क्योंकि कोई गुलाब समझ के तोड़ लेगा। ए मेम साहेब, दिवाली की समय है, तुम अपने घर से बाहर न निकलना, वरना यहाँ का छोरा तुमको पड़ाका समझ के फोड़ देगा। सही बोले, खुटौना जानते हैं, खुटौना के बच्चे बहुत बदमाश होते हैं। एक 12 बजे का टाइम इन लोगों को मिला था कि 12 बजे तक देखिएगा, उसके बाद घर जाइएगा। जो भी पढ़ते लिखते हैं उनको ये टाइम मिला था, है ना, हर मिला था ना, लेकिन अभी तक नहीं गए। सामने देखिए मैडम है, वो बचवा को देखिए, अभी जब थोड़ा देर लाइट बंद हो जाएगा तो अंधड़िया में टीप देगा। हेलो, नहीं सच्ची बात बता रहा हूँ, बस एक मिनट। लेकिन रुपेश भाई, भैया के लिए कहना चाहूंगा कि हल्दी को पीस कर पीने से सर्द नहीं होता, और जल्लाद के दिलों में कभी दर्द नहीं होता, और इनके शायरी पर जो ताली नहीं बजाए वो मर्द कभी मर्द नहीं होता। हेलो, और एक बात। हेलो हेलो, मटुक्की बेटा धीरे बोलो, तुमको बाबा सिर का शिकायत है, चूंकि वो जोर से बोलोगे तो उस पर जोर पड़ेगा, और उसका परिणाम तुम्हारे लिए गाना बजेगा, पटना से चला था भैया रे, इसलिए बेटा हिसाब से बोलो। नहीं नहीं, एक मिनट, देखिए एक सूचना है, 12 बजे का टाइम मिला था सभी बच्चों को, आप लोग घर जा सकते हैं ना, लेकिन ये बचवा नहीं जाएगा, हमको पता है, ये देखने में बच्चा है लेकिन हमरो चच्चा है, पीछे से कोई नहीं बोलेगा, जो बोलेगा सातो विद्यानाश। ये देखने में बच्चा है लेकिन हमरो चच्चा है, देख लीजिए मजा लेने में पिछला बुढ़बो से अच्छा है, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़ी ऊंची उड़ान रखते हैं, कि आजकल के बच्चे बड़ी ऊंची उड़ान रखते हैं, दूध के दांत टूटते नहीं, सीधे नुंगी डांस पे ध्यान रखते हैं।
और क्यों नहीं रखेंगे कि मेरे हंसी का हिसाब कौन करेगा और मेरे गुनाहों को माफ कौन करेगा। इसलिए या खुदा इस गांव के सभी बच्चे को सलामत रखना, वरना जब उनकी शादी होगी तो नुंगी डांस कौन करेगा, यही सब करेगा ना। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए बच्चों के लिए भी। लेकिन कोई बात नहीं शिवेश जी, 20वीं सदी में कहा जाता था कि बच्चे होंगे तीन, 20वीं सदी में कहा जाता था कि बच्चे होंगे तीन, आया सदी 21वीं बदल गया सीन। हाँ यहाँ देखिए छोटे छोटे कपड़ों में, कि 20वीं सदी में कहा जाता था कि बच्चे होंगे तीन, आया सदी 21वीं बदल गया सीन, अब बचवा होता है एक, बाप होता है तीन। इस तरह से बच्चे का भविष्य धर्म में रह जाएगा। अब बचवा का ओरिजिनल पिताजी कौन है तो कंप्यूटर ही ना बताएगा, क्योंकि बाहर ही मेरा देश सावस्त्र इंडिया जो कि हर साल पैदा करता है एक नया ऑस्ट्रेलिया, कोई देश आगे है कल कारखानों में तो कोई देश आगे है हेलीकॉप्टर उड़ाने में, अपना भी देश आगे है जानते हैं मैडम किस में? किस में? किस में? जनसंख्या बढ़ाने में। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान नंबर वन है जनसंख्या में, है ना। आपके इस मेहनत को हम प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके मेहनत को ये क्या किया उसमें? सुनिए आपके लिए है, प्लीज ध्यान से सुनिए। अगले हम शादीशुदा हैं, शादीशुदा है, हम भी शादीशुदा है, सुनिए ना आपके लिए है। मजा तो हमने इंतजार में देखा है, मजा तो हमने इंतजार में देखा है, चाहत का असर तो हमने प्यार में देखा है। लोग ठुकराते हैं जिन्हें मंदिर और मस्जिद में, उस खुदा का तो हमने आप में देखा है। मानते हैं सारा जहां आपके साथ होगा, मानते हैं सारा जहां आपके साथ होगा, खुशी का हर लम्हा आपके पास होगा। जिस दिन टूट जाएंगी एहसासें हमारी, उस दिन आपको हमारी कमी का एहसास होगा। अरे बाप रे, ये प्यार मोहब्बत हमसे मत कीजिए। मेला कमेटी अध्यक्ष रुपेश भैया, एक दिन जो आप फूलझड़ी इनके घर पर गए थे, क्या हुआ था ये बताइए? फूल लेके जो गई थे, हो जाता है, एक दफा की बात है, सच्ची बात बता रहा हूँ। इनसे प्यार हो गया, जवाब दीजिए, इनसे प्यार हो गया। सुनिए तो, इन्होंने मुझसे कहा कि मत पर मेरे प्यार के चक्कर में बहुत पछताएगा, कि मत पर मेरे प्यार के चक्कर में मत बहुत पछताएगा, और मेरे घर के बाहर छोले भटूरे की दुकान लगाएगा। भाषा मैं भी बिहार का छोड़ा, तुरंत जवाब दे दिया कि मेरे प्यार को ठुकराएगी तो बहुत पछताएगी, कि मेरे प्यार को ठुकराएगी तो बहुत पछताएगी, और उसी छोले भटूरे के दुकान में तू बर्तन मानते नजर आएगी। भाई साहब बात यहाँ खत्म नहीं हुआ, बात आगे बढ़ गई। मैं इनके घर पे गया बंगाल, गुलाब का फूल लेकर गया, दरवाजा खटखटाया, भोजपुरी में बोला कि सुनत तारू हो अपन दिल हमरा के देबू का, कि सुनत तारू हो अपन दिल हमरा के देबू का। ससुरी ये बाहर नहीं आई, इसकी मम्मी आई, हम बोले चाची 2 रुपया में फूल लेबू का। आइए गीत संगीत भी हो जाए फिर शायरी चलेगा, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए कमेटी के लिए, कलाकारों के लिए, कमेटी के लिए। ए मैडम जी इधर आइए, आप इधर आइए, देखिए ए रुपेश जी इधर आइए, आप आपको जवाब देने के लिए नहीं आता है आ? अच्छा ए रुपेश इधर आइए आप, अगर आप लोग चाहिए तो इनके इनके तरफ से मैं उनको कुछ बोल दूँ क्या? एक बार हल्ला करके बोलिए आप लोग, आ जाओ बेटा इधर आओ, तुम्हारा स्थिति बेटा बढ़िया नहीं चल रहा है। मैं इनके तरफ से इनको बोल रहा हूँ, ये हम नहीं, ये मोहतरमा जी बोल रही है, और यही बोल रही है, देखिए ये हमने ये बोल रही है, अच्छा कि मैं अपने बालों में गजरा झूलने नहीं दूंगी, मैं अपने बालों में गजरा झूलने नहीं दूंगी, ए रुपेश बेटा तुम कोई जंगे दर दबा लेगी तो रात भर हिलने नहीं देगी।